वज़ीर आज़म मोदी ने क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक मसाइल पर एक मीटिंग की सदारत की। ज़राया ने बताया कि गैर रेगुलेटेड क्रिप्टो मार्केट्स के काले धन को सफ़ेद करने और दहशत गर्दाना सरगर्मियों की माली मावनत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मणिपुर में आसाम राइफल्स के कमांडर ऑफिसर विलिप त्रिपाठी के काफिले पर हुआ दहशत गर्दाना हमला पूरी तरह से मंसूबा बंद था। ज़राया ने कहा कि दहशत गर्दों ने इस हमले की पूरी साजिश पहले ही रची गई थी। हफ्ता को मुंबई पुलिस में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक बम धमाका की इत्तला मिली। मुंबई पुलिस को यह इत्तला ऐसे वक्त में मिली है जब महाराष्ट्र के कई शहरों में पहले से ही तशद्दुद भड़का हुआ था। मुंबई रेलवे पुलिस कमिश्नर केसर खालिद ने कहा कि बांद्रा रेलवे स्टेशन में फोन पर मुमकिना बम हमले की इत्तला मिली थी, जिसके बाद मुंबई में ज्यादातर जगहों पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। कर्नाटक के गार्ड जिला में डॉक्टरों और अस्पताल स्टाफ ने रैम मादर में पल रखी एक नन्ही बच्ची को जिंदगी अता की है। यहां जिला अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने हमला मां की मौत होने के बाद इसके हमल से बेटी को महफूज निकाल लिया। कानून साज असेंबली की तारीख में पहली बार बच्चों का इजलास हो रहा है। मुल्क से 200 बच्चे एमएलए और वुजरा के किरदार में असेंबली पहुंच चुके हैं। बच्चों को वुजरा आला कायदे हिजब इख्तलाफ वजीरे और एमएलए का किरदार दिया गया है। विधानसभा में बच्चों के बैठने का इंतजाम भी इसी के मुताबिक किया गया है।